आकार में बड़ा होने की वजह से जुपिटर से मिलने वाले साउंड में काफी नॉइज पाया जाता है। साथ ही जुपिटर इंटेंस रेडियो स्टॉर्म्स को बनाता है जो प्लेनेट और उसके नेचुरल सैटेलाइट्स के बीच बनता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की आवाज की। आप लोगों ने हॉलीवुड फिल्म मार्शियन तो जरूर देखी होगी, जिसे मंगल ग्रह के वातावरण और उस पर चलने वाले तूफान के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन सौरमंडल का ये चौथा ग्रह हमारी कल्पना से थोड़ा सा शांत है। असल में मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है, इसकी वजह से वहां शक्तिशाली तूफान का बनना थोड़ा मुश्किल है और इसे पतले वातावरण के चलते साउंड वेव्स भी एक सीमित सीमा तक ही यात्रा कर सकती है। नासा के इनसाइट लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई मार्स की साउंड वेव्स हमें इसकी आवाज से साक्षात्कार कराती हैं। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई इस वेव्स को मार्स की हवा और वहां की सेस्मिक वाइब्रेशन की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। सुनने में मार्स की आवाज काफी टोंड और मैग्नीट्यूड वाली है, जिसमें गड़गड़ाहट साफ तौर पर सुनाई देती है। अपनी क्रेटर्ड सतह के साथ ये काफी कुछ चांद से मेल खाता है। इसमें भूकंपीय तरंगे एक या दो मिनट के लिए बजती हैं, जबकि पृथ्वी पर भूकंप सेकंड में आ और जा सकते हैं। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई ये वेव्स मार्स के वातावरण से जुड़े कई राज खोलती हैं। बात करते हैं शनि ग्रह की आवाज की। सैटर्न, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैस जॉइंट है, ये इंटेंस रेडियो एमिशंस का बहुत बड़ा सोर्स है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा इस ग्रह पर भारी मात्रा में रेडियो एमिशंस को रिकॉर्ड किया गया था। ये रेडियो वेव्स ग्रह के पास मौजूद अरोराज से बनती हैं। सैटर्न पर बनने वाले अरोराज पृथ्वी पर बनने वाले अरोराज से मेल खाते हैं। इन रेडियो एमिशंस को साउंड वेव्स में बदलने पर हमें सैटर्न की जो आवाज मिलती है वो काफी हैरान करने वाली होती है, जिसे आप सुन सकते हैं। सैटर्न की आवाज शुरुआत में तो काफी बांसुरी की कोमल गुनगुनाहट जैसी लगती है, धीरे धीरे आवाज में बदलाव आता है और फिर हमें साउंड के फटने और रुकी हवाओं के तेज होने की आवाज सुनाई देती है। आवाज में लाउडनेस कुछ ही समय के लिए रहती है, फिर ये धुन एक कोमल गुनगुनाहट में बदल जाती है। कैसिनी द्वारा रिकॉर्ड किए गए साउंड दरअसल हमें सैटर्न यानी शनि ग्रह और उसके आइसी मून एनसेलेडस के बीच होने वाली प्लाज्मा मूवमेंट की वजह से सुनने को मिलता है। पृथ्वी की आवाज। अब बात करते हैं हमारे अपने